दिनेश शुक्ला जी, दिनेश शुक्ला जी बस्ती यूपी से हैं। राधे राधे महाराज जी, सादर प्रणाम। धर्म संवाद कार्यक्रम बहुत ही सुंदर है। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी, गीता जी को जीते जी सुन सकते हैं या मरने के बाद स्थान पर सुनना चाहिए? अरे भैया, मरने के बाद नहीं सुनना है। मरने के बाद किसको सुनाएंगे? शरीर जल गया, आत्मा चली गई। जीते जी सुनिए, नित्य गीता जी का पाठ करिए, नित्य गीता जी का आश्रय लीजिए, जीते जी समझिए, ताकि भगवान में हमारा मन लग जाए, भगवान में हमारी रुचि हो जाए। मरने के बाद क्या सुने? पता है आप लोगों को गरुड़ पुराण मरने के बाद क्यों सुना जाता है? ऐसा नहीं कि उससे मृतक आदमी को सदगति मिल जाएगी। पुराण पाठ से तो सदगति मिलेगी, वो ठीक है, लेकिन उसमें मरने के बाद जीवात्मा कैसे कैसे यमपुरी में जाता है या भगवान की पुरी में जाता है, वो सब वर्णन है। तो इसलिए वो किया जाता है ताकि हम लोग अब 13 दिन तक सब काम धंधों से फ्री होकर बैठ गए, अब कुछ करना नहीं, दुकान खोलनी नहीं, ऑफिस जाना नहीं, 13 दिन बैठे हैं, क्या करें? पुराण सुनो। कौन सा सुने? बोले घर में अशुद्धि है तो गरुड़ पुराण जो है, गरुड़ पुराण भी 18 पुराण में एक पुराण है। तो वो ऐसा नहीं कि केवल मरने पर किया जाए, कभी भी करिए, पर उस समय इसलिए किया जाता है कि उसमें मरने के बाद व्यक्ति को कैसे कैसे यातना पापी को भोगनी पड़ती है, धर्मात्मा लोगों की कैसी गति होती है, उसको लोग समझ जाएंगे। उस 13 दिन में बुद्धि थोड़ी ठीक ठाक रहती है, क्योंकि घर का व्यक्ति गया है ना, तो थोड़ा सा वृत्ति हो जाती है, करे सब बेकार है, इतना किया सब ऐसे ही चले गए, हम लोग भी एक दिन चले जाएंगे। तो कथा सुनकर यम मार्ग का निरूपण सुन के लोग भजन में लग जाएं, इसलिए जो है उस समय गरुड़ पुराण सुना जाता है। बाकी गरुड़ पुराण कभी भी सुना जा सकता है। आपका प्रश्न अच्छा है, चलिए कल्याण हो। गीता जी हमेशा पढ़िए, गीता जी मरने के बाद के लिए प्रतीक्षा मत करिए। मरने के बाद पता नहीं कोई सुनाएगा कि नहीं।